उसको माउंट ही करना होगा आप लोगों को। हाँ देख रहे हैं, देखिए पूरा त्रिकोण हम उसके साथ में खड़े हैं लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है। देखो देखो देखिए, ये जो मेरा बाउंड्री है ना, ये गेट है ना, ये मेरा गेट है, यहीं पर खड़ा होकर मुंह देता है औरत लोग कभी कभी। मैं घर ये जो है ना गेट के अंदर में घर हो गया तो अंदर घुस करके औरत लोग एकदम पिछवाड़ा उठा के मुंह देती है। आपको जो है ना वो गेट चेंज करना होगा, पतला गेट लगाना होगा। ये गेट पतला गेट, हाँ 3 फीट वाला गेट लगाना होगा। 3 फीट वाला, अच्छा बस समझ गए। और वो गेट को लगा के ये जो जालीदार गेट है ना, वो जालीदार गेट हटाना, वो ये पूरा पैक रहेगा जिसमें आर पार दिखाई ना दे। हाँ है ना, गेट लगा के अगर आपको वही जो गेट है ना, उस गेट को ही लेके जाइएगा आप, उसे वही पैक कर देगा, उसे चंद्रा मार्केट पैक कर देगा। हाँ हाँ, और एक छोटा सा गेट खोल बना देगा उसे। अच्छा छोटा सा पैक कर देगा, पैक हो रहेगा वो भी। हाँ वो भी पैक रहेगा, जैसे आदमी आने जाने, कम से कम आदमी आने के बाइक को अंदर ले जाने के लिए। नहीं नहीं वो आदमी है, बाइक होगा तो पूरा खोल के बाइक घुसा देगा फिर पूरा बंद कर देगा। और आदमी आने जाने के छोटा रहेगा, ऐसे करके निकाल जाएगा तो लगा देगा अंदर से भी बाहर से भी। तत्काल हम जैसा अभी हम दिखाए आपको जैसा बाउंड्री जो है पहले वाला उसको दे सकते हैं। थाना के सामने में, थाना के सामने वाला रोड में है। कहाँ पे जमीन हो आपका? मेरा ये तो चास में है जी, वहाँ जुराडी मोड़ में। हाँ ये गुरुद्वारा पीछे में, आईकिया मोड़ से पहले गुरुद्वारा है। हाँ। गुरुद्वारा के पीछे में सब गया था जी, वहाँ पे कौन टावर वाला नहीं गया लगाने के लिए, जियो टावर, जियो वाला गया, एयरटेल वाला गया लगाने के लिए गया था। आप लोग नहीं लगाए? नहीं, पहले पैसा मांग रहा था। मतलब पहले पैसे, पहला पहले कौन सी का पैसा पैसा दे दिए कहीं यहाँ भाग गया लेकर के, आए भी नहीं किया तब वो ठीक है, पहले कौन सी का पैसा देंगे हम। आपको जो है ना वो फिनिशिंग करना है। देखिए क्या क्या करना है आपको, आप नक्शा दिखाएं बहुत बढ़िया की है, ठीक है। गेटवे खोला होगा वो जो है ना, हाँ ये जो है ना दीवार, दीवार में जो है ना पेशाब करना सख्त माना है, ये सब लिखना होगा। ये सब जानते हैं वो सब लिख भी देंगे ना तो वो सब लिखल का मानेगा। अरे बहुत आदमी डरेगा, जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। वही तो हम सीसीटीवी कैमरा वहाँ डालना चाह रहे थे ऊपर में, लेकिन हमको लगा ना कि तोड़ फोड़ देगा सीसीटीवी आपको, बोलो देख लेगा तो तोड़ने आगे वो भी तो रिकॉर्ड होगा। हाँ वो तो रिकॉर्ड होगा ही। अच्छा क्या हम, मेरा भाई क्या बोल रहा है जानते हैं कि अगर सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया होता ना तो केस अभी और हल्का हो जाता। बोले कैसे? बोल रहा है कि जिससे मरवाई थी, जो आदमी मारा है उसमें तो पकड़ में आता, वो लोग क्या बोलता कि नहीं हम लोग पिए हुए थे इसीलिए मार दी, वो बच जाते। ऐसा हो जाता क्या? ऐसा तो नहीं लगता हमको। है पिए हुए नहीं है, पिए हुए का सर उससे जाती दुश्मनी है सर, वही बुला के पी, वही बुला के मरवाया। वो लोग से तो पुलिस बुलवाता बढ़िया से ना सीसीटीवी में। अगल बगल में किसका घर है? अगल बगल में एक वकील रहता है, उसका पूरा सहारा ले रहा है। अच्छा
यही आप लोग नहीं नहीं वो मोबाइल वाला, जबकि उस वकील का हम लोग बहुत ये किए हैं, कार उर निकालने घुसाने में उसको दिक्कत होता था घर में, तो हमारे पिताजी ही घुसा देते थे निकाल देते थे, तैयो हमारे खिलाफ़ में है जानता है, सब पूरा एरिया का आदमी। अभी बताइए मेरे बगल का एक आदमी है जो जिससे हम लोग का बहुत ज़्यादा दोस्ती था, 30 साल से दोस्ती था आना जाना, उसको हम लोग मोबाइल भी दे दिए, बोला कि गवाह खड़ देंगे। अब मोबाइल वो लेके चला गया घर में, अपने घर में, उसके बाद मोबाइल जैसे ही उसके घर हम लोग जाते हैं ना, भाग जा रहे हैं, वो छिप जा रहा है जैसे ही हम लोग जा रहे हैं, तो वो लोग भी हम लोग से कट हो गया। वो भी डीएसपी को भी हम लोग एक आवेदन दिए हैं कि थाना की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किया गया अभी तक, अरेस्ट नहीं किया गया। ये आयोग क्या किया है काम, जो हम लोग का केस देख रहा है, वो सोचा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, दोनों तरफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, हम लोग को भी और उसको भी। वही है कि अगर मान लीजिए जज जो है ना, जज जब देखेगा कि इसका रिपोर्ट उतना तगड़ा नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट, तब तो वो इसको बेल दे देगा। बेल तो होना ही होना होगा, वैसे तो बेल नहीं होगा, बेल तो होगा, यहाँ नहीं होगा, हाईकोर्ट में बेल होगा, एक डेढ़ महीना में बेल तो ही, मर्डर करके जाने से भी 302 में 3 महीना में बेल हो जाता है, बेल जेल है तो बेल होगा। अच्छा उसके लिए क्या होंगे, लेकिन आपको काम है कुछ ना कुछ, लेकिन लेकिन 300 धारा भी हट जाएगा क्या? धारा नहीं हटा सकता, धारा नहीं, अच्छा धारा नहीं हटा सकता। अगर निरीक्षण करने जाएगा डीएसपी घर, तब निरीक्षण करने जाए कुछ भी जाए, वहाँ कोई बताने वाला नहीं ना आपका है, सब तो बताएगा उसके तरफ से। आप लोग किसी को पैसा वैसा मत दीजिए, किसी को कुछ भगवान भरोसे छोड़िए, ठीक है? अच्छा नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, सब मौका का फायदा उठा के लूट रहा था, नो चलेगा पूरा। तुम लोग को वहाँ गलती है ना, उसको थोड़ा सा जमीन दे दिया उधर, ठीक किया, तुम लोग का अपना भी तो गलती है ना, गेट के अंदर चला जाता मुक्ता आ जाता, उसका गलती नहीं है, गलती है हम लोग का, हाँ तुम लोग का गलती है और पब्लिक का गलती है, पब्लिक घुसता है तो तुमको उसका उपाय लगाना पड़ेगा ना। इतना अच्छा से गेट बना दो, रंग पेंट कर दो, आदमी का कलेजा नहीं हो घुसने के लिए, खंडर जैसा रखा तो तुम कोई भी आदमी घुस जाता है, बात के माने समझ रहे, स्वच्छ खंडर कोई कोई रहता नहीं होगा, तला सड़ल पचल गेट है, घुस अब बढ़िया से अगर गेट लगा देगा चमचमा के रंग पेंट पाएगा, डर से कोई घुसेगा नहीं, तला किसी बड़े आदमी का घर है, कोई बढ़िया आदमी का घर है, तो उसको रंग पेंट किया जाए, पैकअप किया जाए। हाँ नहीं आप सोचे वो करेंगे, वही करेंगे, दरवाजा जो है ना इस तरह का रहेगा, बता दे। हाँ दरवाजा दीवार जो है ना घर का शोभा होता है, दीवार का जो है ना इधर जो दीवार है पूरा उसको प्लास्टर करवाइए और पूरा उसको पछौड़ा करवाइए और वहाँ लिख दे बढ़िया से पेंट का, पेंट एक पेंटर को लग के 400-500 रुपया लेगा, उसमें लिख दे कृपा यहाँ पर पेशाब उसाब ना करें, किसी का घर में दीवार में पेशाब ना करें, पेशाब करना ये लिखना दिक्कत हो जाएगा, सीसीटीवी कैमरा से सावधान, ये सावधान नहीं करेंगे हम, ना ना वो सब नहीं, बोले कि कृपा यहाँ पर दीवार पर पेशाब करना सख्त मना है, पूरा स्पष्ट लिख दें दीवार पर पेशाब ना करें, पूरा सब लिखवा दिए। गेट जो है तुम्हारा, गेट तुम्हारा देखिए ये गेट है ना, ये तुम्हारा गेट है, ये गेट चेकिंग रहेगा, ठीक है, और इसी में जो है ना एक एक टुकड़ा गेट रहेगा इसे देखो कोना में, ये गेट रहेगा, यहाँ आपका कुंडी रहेगा, ठीक है, गेट का ये गेट ओपन होगा जाना आने के लिए, ठीक है, अरे ऐसा गेट में लगा हुआ रहता है, इधर से बाहर से भी लगा सकते हैं, अंदर से भी घुमा के, हाँ घुमाने वाला, हाँ पता है,
यहाँ लगा दीजिएगा, जो भी बाहर जाएगा उधर से लगा देगा और वो अंदर से जाएगा उधर से लगा देगा, बस एकदम चमचमा के पेमेंट पेंट उन कर दीजिए, कोई नहीं जाएगा अंदर घुसेगा। बाहर का आदमी क्या जानता है कि इसमें घुसने का है कि नहीं है? नहीं, जान बूझ के भेज देता है मूटने के, ताकि झगड़ा हो, झगड़ा होगा तो इसका जमीन उमीन लूटेंगे, प्लानिंग किया हुआ है ना, अगल बगल का आदमी टिप्स देता है उसको। अच्छा ठीक है, अगर तुम घुमाने वाला छोड़ दीजिए, अंदर से लॉक लगाने वाला कर दो, जो कोई बाहर निकलेगा घर का आदमी आके लॉक कर देगा, लॉक होना चाहिए, मान लीजिए घुमाने वाला नहीं होगा। अच्छा अच्छा, कैमरा अगर रिकॉर्ड किया हो गया होता तो उसमें फंसता कि नहीं होगा? फंसता कहीं नहीं फंसता, वो रेड हो जाता तो बोलता हम दारू पी के मारा। सर दारू पी के मारा नहीं, उसका दारू पी के मारा तो क्यों मारा है? क्या इससे जाती दुश्मनी है सर? जान मार दिया उसका कहने पर ही लोग मारा है, पूरा आया था पूरा एकदम, उसको बोलना पड़ता है, बोलना और वो लोग को जब टॉर्चर करता था आपने बोलता कि नहीं सर? अच्छा, रात में वहाँ बल्ब लगाना सही रहेगा कि नहीं? रात में हम वहाँ अंधेरा रहता है गेट में, तो गेट में हम सोच रहे हैं कि आप बल्ब सोच रहे लगा देंगे। बल्ब बल्ब सब उस सब व्यवस्था कीजिए, बल्ब लगाइए बढ़िया से एकदम लगाइए, चक चक पूरा चक चक एकदम करके रखिए, एकदम पेंट उन करवाइए, गेट बढ़िया से लगवाइए, गेट में एकदम लगेगा कि हाँ कोई रॉयलिटी वाला आदमी का घर है। किसी का हिम्मत नहीं होगा, किसी का हिम्मत नहीं होगा। जानते हैं एक सेंसर होता है, समझे, डिटेक्टिव मोशन सेंसर, वो लगा दीजिएगा ना तो मेरे गेट में अगर कोई खड़ा हो जाएगा ना तो पुलिस का सायरन जैसे होता है चूं 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 बजने लगेगा, खड़ा हो जाएगा सामने में उस तरफ सेंसर। वो जो सब सही नहीं है, क्या वो सब कुछ नहीं, तुम गेट से बनाया से बढ़िया गेट बना, एक छोटा सा गेट मैं हूँ आदमी आने जाने के लिए, जो भी जाएगा आके लॉक कर, बाहर गया उसके साथ निकल नहीं जाएगा, निकल गया तो अंबा निकल गया, तुम निकल गया फिर बंद करते रहे, 40-50 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा क्या? नहीं बाउंड्री देंगे तब, बाउंड्री तो दिया हुआ है तुम्हारा, दिया हुआ लेकिन फिर भी उस तरह का तगड़ा था। खाली प्लास्टर करवा दो ना, प्लास्टर खाली प्लास्टर करवा के और थोड़ा ऊंचा करके ना, ऊंचा कितना, 5 फीट है ना? हाँ 5 फीट है, तब कोई दिक्कत नहीं। उसमें कुछ ऐसा ये लगवा दें क्या कि प्लास्टर करके ऊपर में कुछ छोटा छोटा ही कील वगैरह चाहे ये कुछ नहीं तुमको लगाना, तुम सब प्लास्टर करके खाली तुम उसको लिखवा दो, पेशाब करना सख्त मना, लिखवा दो ना कृपया, यहाँ पेशाब करने की जगह नहीं है, किसी का घर। सीसीटीवी लेकिन बहुत जरूरी है क्या? कुछ नहीं उससे कोई मतलब ही नहीं उसको, तुम लोग पहले काम किया नहीं, तुम पहले करके रख देता नहीं सब तो तुमको वो क्या करना आ रहा या रहा कोई मतलब नहीं। नहीं बात ये नहीं है क्योंकि मेन नज़र सबका जमीन पे, सबका ठीक है, लेकिन तुम तो बोलने की जरूरत नहीं, तुम मेरा घर में कहीं अखबार में मुझ द्वारा, तुम अपना घर वाला लॉक नहीं किया है, तुम किसी का घर कैसे घुस जाएगा? लॉक गेट लॉक करो ना तुम लोग, बाहर में कर रहा तो कर रहे, थोड़ा बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन लॉक लॉक करो। नहीं जैसे हम दिखाए ना आपको तो वो मान लीजिए अब हम घर से निकल ही रहे हैं रात में, अब वो जान रहा है कि इस टाइम पे निकलता है, टाइमिंग हो गया उसका निकलता। देखो उस जगह में तुम लोग का थोड़ा सा नरम होना होगा, तुम लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा, अब कोई जो है ना कोई कुछ कर रहा है तो तुमको टोकना नहीं, तुम सीधा जाओ आओ गेट के अंदर में रहो, नहीं तो जान आदमी मार देगा तुम क्या करेगा, नहीं तो मारने का हिम्मत है तो फिर पटक दो मुंह दो मार, नहीं काहे मारेंगे, हम कुछ कुछ कर देंगे ना उसको, उल्टा हम अभी तक लॉकअप में हम होते हैं, अभी तक हम लोग को अगर थोड़ा सा भी कुछ छू भी देते हैं ना उसको तो हम लोग लॉकअप में होते हैं, क्योंकि उसका उतना उसका गवाह है, आदमी है, लोग है, पैरवी है, सर सब चीज़ें हर तरह से पावरफुल है, तो हम लोग को तो आसानी से वो मसल सकता था। गलत का नियम गलत होता है, आईने का लोग ऐसा बात नहीं। चलो टाइम बहुत हो गया, कितना टाइम हो गया? 10:29